Yeah.
आर्ट के समय में या और स्वामी जी की वस्तु इतनी दुर्लभ है, सोचते सोचते सागर सागर में हैरान रह जाता है कि भैया ये भगवान की दुर्लभ है, इस जीव को कैसे प्राप्त हो। लक्ष्मी पत्र बृहस्पति की दुर्लभ आता है ना, लक्ष्मी पत्र बृहस्पति की दुर्लभ बहुत बड़ा वाले का, लक्ष्मी पत्र बृहस्पति के लिए जो दुर्लभ है इस जीव को कैसे सुलभ हो जाएगी। और इस विषय में सोचते सोचते एक विचारा है, लेकिन जब स्वामी जी की कृपा इसके हृदय में उसको स्मरण आती है, शरण गहो श्री अरदास माया छुबे न छा और पुण्य विहार लाड़िनी ये कहेंगी वहाँ। जब ये साधक धैर्य धारण करके स्वामी जी की शरण ग्रहण करता है, श्री अरदास नाम जाप करता है, फिर इसके हृदय में ढाढ़स होती है, उन्हें निश्चित प्राप्त होगी, चाहे किसी को प्राप्त भई हो या न भई हो, लेकिन हम स्वामी जी के चरणों की अनन्य अनुयायी हैं, हमको ये वस्तु निश्चित प्राप्त होगी, इसका संशय स्वामी क्योंकि पूछिए नित्य विहार श्री अरदास सेव प्रसाद सब जा चुका। क्योंकि नित्य विहार के चाबी पूछिए स्वामी नित्य विहार आप बराबर सुनने का सत्संग सुनने का मतलब अनन्य भाव को आपको बताते रहते हैं रोजाना, क्योंकि जो विशेष वस्तु रोजाना बताए, जैसे कि रोजाना खाद्य पदार्थ सुना तो हम भी बड़ों से सुनते सुनते तृप्त ही नहीं हुए, स्वामी जी की प्रशंसा सुनते सुनते तृप्त ही नहीं हुए। उसी तरीके से जैसा भी स्वामी जी महाराज और संतों की गुरुओं की कृपा से हम भी जो है गहरे सुन रहे हैं, हम भी तृप्त हैं, स्वामी जी की प्रशंसा करते करते और नाम की प्रशंसा करते बार बार कहने का जो अमृत स्वरूप इधर से गिर के फिर वही मना या और कछु ना मने एक नाम साधन साधन सारे साधन अपने आप से स्वामी का नाम अनिल अभी हमारी चर्चा चल रही है। जाको दर्शन हित मिले जाको दर्शन हितो जाको दर्शन हित जाको मिले वो दर्शन कैसे मिले प्रिया प्रथम के रूप बाद में अंग संग नित्य विहार सहचरी भाव से भारत को उनका अंग संग कैसे प्राप्त हो। अनंत जन्मों से लिखा हुआ जीव इस नित्य सुख को
कैसे प्राप्त करना है, जाको दर्शन है महाराज के सिद्धि भैया जाको यहाँ दर्शन उसको वहाँ भी दर्शन यहाँ दर्शन किया है जाको दर्शन जाको दर्शन इतने ताकू मिले न खुद जाको यहाँ दर्शन नहीं मिले जाग के उसको मरने के बाद भी सब कुछ मरने के बाद भी दर्शन नहीं मिलेंगे ताको मिले न खुद मेरे तत्व सब फौरन और मन को मैल जाए खाए घर घर के फौरन भैया घर घर के कौरन यानी मधुकरी वृत्ति है हमारे स्वामी जी की उपासना। अगर हम रसिकों का संग नहीं करेंगे और हम रहस्य को जीव समझेंगे तो मधुकरी करते कराते ये जो मन का मैल है वो समाप्त होगा। यद्यपि ध्यानी महाराज जी कहते हैं ब्रजवासिन के टूप विचारत प्रण अभिमान अविद्या मनो अग्नि के प्रण के समान तिनके के समान अभिमान को और अविद्या को जरा के दर्शन कर देते हैं ब्रजवासिन के टूप में उन रहस्य। लेकिन उन रहस्य को ब्रजवासियों के टुकड़ों को हम मधुकरी का महत्व कब समझेंगे कब निष्ठा होगी जब हम बड़ों के चरणों में बैठ के उसकी महिमा सत्संग तो जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन हो प्राणी मात्र के अंदर बड़ों का संग करके और ये समझ लेना है हमको प्राणी मात्र के अंदर बिहारी महाराज के दर्शन कर प्रिया प्रीतम के दर्शन कर अखंड रूप से ललिता जी की गोद में प्रिया प्रीतम विहार परायण है वो दर्शन कर ऐसा सोचना है। हम जैसा विचारेंगे वो ही हमको प्राप्त बोलो बिहार जी महाराज की हम जो विचारें हम ऐसा विचारेंगे कि हमारे स्वामी जी महाराज के अंक में प्रिया प्रीतम सबके हृदय कमल में और मेरे भी हृदय कमल में विराजमान हैं और नित्य विहार प्रायण हैं। झूठे झूठे गुरु झूठे को सांचे की भावना करोगे प्रारंभ काल में झूठे झूठे को भी तो यही वस्तु शुद्ध हो जाएगी समझ में आया ना ये वस्तु सिद्ध हो जाएगी। हम क्या करेंगे कि स्वामी जी महाराज की अंग में अपने हृदय कमल में प्रिया प्रीतम अब लोग स्वामी जी महाराज हमारे हृदय में हम सभी स्वरूप से और देख रहे ऐसे ही हम सबके हृदय में और सब जगह वही देख रहे हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज की अंग में प्रिया प्रीतम विहार रहता हूँ प्राणी मात्र हृदय कमल तो ऐसा हम रखे रखेंगे तो वही वस्तु हमको प्राप्त होगी। अब ये समझ कैसा नित्य विहार है कैसा रस है हमारे प्रिया प्रीतम कैसे कैसे विहार में परायण होते हैं ये सब उनकी कृपा से धीरे 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 जिनके मन आनंद अभाषा सहज सिद्ध हो जगत उदासा जिनकी हृदय कम में तनक मात्र भी इस आनंद का आभास हो जाता है ज़्यादा प्रकाश न हो साक्षात्कार न हो केवल आभास ही हो आभास हो जाएगा सहज सिद्ध भई जगत उदासा सहज सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और जगत से उदास हो जाएंगे और बिहारी विहरण का नित्य जो सुख है उस समझ लेना चाहिए आभास होने मात्र से ही प्राप्त हो रहा है स्वामी जी। तो ये समझना है जाको दर्शन हित मिले ताको दर्शन हो तो तुमको प्राणी मात्र के अंदर देही को देखे नहीं जो देखे सो देह और तीन बात वह जासो विष्टा कमी खे हमको देह को नहीं देखना है हमको ये देखना है इस देही के अंदर कौन बैठा
इनके अंदर कौन बैठा हुआ है, इस देह को चलाने वाला कौन है, देह तो यही पड़ी रह जाती है, यही पड़ी रह जाती है। जब वो नित्य तत्व इसमें से चला जाता है, ये तो यही पड़ी रह जाती है, देह तो पहले थी वो अब है, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण ये प्रफुल्लित, तो उस तत्व को सुनेंगे, तो वो कौन सा हम अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारे स्वामी जी महाराज अंत में बिहारी विहरण और बिहार परायण है। तो स्वामी तो जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन, देही को देखे नहीं जो देखे सो। तो हमको देही को नहीं देखना है, हमको ये देखना है हमारे बिहारी विहरण ललता जी की अंक में बिहार परायण है, ये देखने का अभ्यास करना है। अभ्यास ही तो पौनते वैराग्यण से क्रियते, अभ्यास से और वैराग्य से वस्तु हस्तामल होती है, मन बस में हो। हम निरंतर नाम जाप करेंगे और इस क्रिया का अभ्यास करेंगे और ये विचार करेंगे कि प्राणी मात्र के हृदय कमल में हमारे बिहारी विहारिण नित्य विहार परायण है। रोम रोम में रंग रही ललित प्रिय, तो जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन, जाको दर्शन इतने ही ताको मिले न, तो होता क्या है, हम यही अभ्यास करते रहेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे। अब बात आई स्वप्न की, स्वप्न के रूप में झांकी के रूप में जो दर्शन होते हैं, हमारी प्रकट क्रियाएं, प्रकट भजन, आस्था, सत्संग, हमारी मन जहां प्रकट अवस्था में है वो जो है स्वप्न अवस्था में पहुंच जाता है। स्वप्न क्या है, हम जो है प्रकट क्रियाएं, प्रकट अवस्था में हमारा मन पूर्ण रूपेण या जितना भी जहां लगा हुआ है, तो क्रम से वो जो है सपने के रूप में परिणाम स्वरूप, जैसे कोई बच्चा उसने पढ़ाई करी और बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई करी, अच्छे ढंग से पढ़ाई करी तो फिर उसकी परीक्षा हुई, तो परीक्षा में वो ही नंबर आएंगे जिस ढंग से उसने पढ़ाई करी। तो ये स्वप्न एक परीक्षा होता है, जैसे हमारा मन कितना रमण है और कौन सी जगह रमण कर रहा है, तो स्वप्न के रूप में वो वहाँ परीक्षा फल प्राप्त होता है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में और फिर भी वो आ रहे हैं, वो जन्म जन्मांतर के जो है पुराने जो है जहाँ मन टिका हुआ वो आ जाता है, और ऐसे आ रहे हैं हरि संबंधी भाव और जो कि हम उसकी सोच भी नहीं सकते, ऐसी विलक्षण झांकी हुई है, ये कृपा है। जैसे जो विद्यार्थी ढंग से पढ़ रहा हो, ढंग से पढ़ रहा हो और सब चीज प्यार है कि ये बहुत ढंग से पढ़ रहा है, कहीं इसका मन नहीं है, फिर गुरुजन और जो है जो प्रिंसिपल आदि मास्टर लोग होते हैं, उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं और उस पर कृपा कर देते हैं, उसको बड़ा सहारा देने के लिए, भाई ये तो योग जाना चाहिए, ये तो क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, तो सबकी कृपा प्राप्त होती है जिस विद्यार्थी को, तो ये होती है कृपा। जब इस तरीके से लगन होती है साधक की तो हरि कृपा करते हैं, गुरु कृपा, तो ये फल सही। तो कभी कभी जो झांकी होती है विलक्षण स्वरूप से, तो वो जो है जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, वो कृपा साधे और उनकी कृपा से हृदय में झांकी होती है, सपने के रूप में झांकी होती है। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं कि और काल हरि प्रकट है, प्रगट नहीं कल काल, सपने की ओट दे भेटे गिरधर लाल। उदाहरण दिया श्री हरिराम व्यास जी का, जिस महापुरुषों का उदाहरण दिया श्री ललित किशोरदेव जी महाराज ने कि और काल हरि प्रगट है, और कालों में यानी त्रेता में, द्वापर में, सत्ययुग में हरि प्रगट है, लेकिन प्रगट नहीं है कल काल, कली काल में सहज प्रकट नहीं होते। तो कैसे हैं, अगर स्वप्न में हमको बिहारी जी महाराज के दर्शन होते हैं, प्रिया प्रीतम के दर्शन होते हैं, स्वामी जी के दर्शन होते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमको प्रगट दर्शन गुरु स्वामी जी।
अब जो तुम बैठे हो या प्रकट अवस्था में श्री मिथुन राज्य में, अगर यही दर्शन स्वप्न की अवस्था में हो जाए तो और रसमय दर्शन, ये बड़ी कृपा है। यही दर्शन तो समझना चाहिए हम सही चल रहे, और कोई विशेष दर्शन हो जाए और अच्छी बात है। और सबसे प्रथम दर्शन क्या है, नाम वाणी निकट और श्यामा श्याम प्रकट। हमारा मन नाम में है और वाणी में है, पाठ पठन में, नाम जाप में और प्रकट दर्शन में है। तो ये नहीं समझना है कि हमको दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन हो रहे हैं। बोलो स्वामी जी। तो नाम वाणी निकट श्यामा श्याम प्रकट, नाम में अगर मन नहीं है, पाठ में मन नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि हम कच्चे हैं। आगे एक बार को झांकी झलक नहीं होती, लेकिन तुम्हारा बराबर नाम जाप चल रहा है।